वाटर प्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्लैब में जो वेस्टेज जो रहता है प्लास्टर या ब्रिक वर्क के बाद जो यहाँ पे जम जाता है पूरा, जैसे कि ये जो है इस राइट साइड में जो है पूरा साफ हो गया, और ये दिख रहा है ये जो किया इतना लेयर 10 mm का लेयर इस तरफ भी था कि पहले साफ कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्रैक्स हैं जो लगा हुआ है पट्टी पट्टी जैसे यहाँ पे क्रैक है, इसको रिपेयर करने के लिए केमिकल ला करके इसको रिपेयर करना है। छत को पहले पूरा साफ कर लेना है, उसके बाद फिर ये जो केमिकल है आज तो डाल दिए यहाँ पे, इस पर पहले कोटिंग होगा, इस पर 3 लेयर कोटिंग करते हैं, वो जाली बिछा करके फाइबर की जाली आती है, उससे पहले कोटिंग ऐसे ऐसे करेंगे, इस ब्रश को ऐसे ऐसे मारेंगे, सेकंड कोटिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस टाइप से कोटिंग मारते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल फिर इस तरफ। वाटर प्रूफिंग करने के लिए आपको पूरे छत को सबसे पहले सफाई कर लेना है, उसके बाद जो है फाइबर मैश आता है एक जो कि इस तरीके से दिखता है, उसको मैं दिखाता हूँ। फाइबर मैश ये एक फिट ऊपर फ्लोर से एक फिट ऊपर तक ये रहता है फाइबर, उसमें जा करके वो कोटिंग करते हैं, उसका फ़ोटो मैं अभी ऐड करूँगा इस पर। ये सब जो ब्लैक ब्लैक निशान है ये सब यहाँ पे स्लैब पे क्रैक था इस कारण, ये अल्ट्रा ब्लॉक 2K करके एक आता है एशियन पेंट पेंट का ही रहता है, 4.8 kg है इस पर, इसको सीबेंड के साथ घोल बना करके लगाते हैं, और ये है फाइबर मैश, ये फाइबर मैश है, ये जो साइड साइड पे जो लगा है एक फिट ऊपर तक जो लगा हुआ है ना वो पूरा ऐसे पूरे जाली को फ्लोर में पूरा लगाते हैं, इस पूरे फ्लोर में जाली लगी है ये फाइबर मैश, इसके ऊपर जो कोटिंग है वो आती है।